रेन इधर, आपने सोना नहीं है? सोना नहीं है? इधर देखे मामा की तरफ, क्या कर रही है? और कोई काम नहीं है आपको तो? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज ही मैं सुबह सुबह ही उठ गई थी और नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने अपने काफ़ी काम जो है सुबह उठ के जो थोड़े बहुत थे वो ख़त्म किए। अजान मौज़न का यूनिफॉर्म प्रेस करके रखा है, ये मौज़न का है और ये अजान का, सब सेट करके रख दिया। और हुरैन फातिमा भी मेरे साथ ही उठी हुई हैं और यहाँ पर बैठी हुई हैं। क्या कर रही हैं मैंने आप इतनी जल्दी उठ के, क्या कर रही हैं बताएँ? बच्चों को तो जब से मोबाइल आ गया और कोई काम ही नहीं है, बच्चे जो है ना मोबाइल ही यूज़ करते रहते, गंदी बच्ची। और हस्बैंड भी अभी सो रहे हैं और अजान मौज़िन भी सो रहे हैं। बस इनका जो स्कूल है वो अब 8 बजे लगते हैं, तो बस अब इनको थोड़ी देर में उठाती हूँ। तब तक जो है ना मैं यहाँ पर जो है ना मैं चने भी भिगोने लगी हूँ, क्योंकि बच्चे रात को कह के सोए थे कि मामा हम जब स्कूल से पढ़ के आए थे वाइट चने का जो शोरबा वो बनाओ, तो बस ये अब मैं ये भी भिगोने लगी हूँ। यहाँ पर चने मैंने भिगो के रख लिए और मैंने ये ज़्यादा ही भिगोए हैं, क्योंकि हाफ जो मैं शोरबे में यूज़ कर लूँगी, बाकी जो है मैं ना बॉयल करके ना इनको तो फ्रीज़ कर लूँगी। फिर चनों वाले राइस या कुछ भी बनाना हो तो चलो ये बॉयल हुए हो तो फिर काम आ जाते हैं। ये हुरैन के सारे टैडी वगैरह भी मैंने सेट कर दिए हैं, खेलती रहती है सारा दिन, बस यही कुछ चलता है इसका। मौज़िन मौज़िन मेरा बेटा उठ जाओ, टाइम हो गया है स्कूल का। हाँ 7:30 चले जाना, आप भी उठ जाए, उठ जाओ ना मेरा बेटा, 7:30 हो गए, मामा की जान है, उठ जाओ दोनों, उठ जाओ जल्दी से। मुँह हाथ धो लिया आपने? चले ये टेबल वाले जो है ना ये कपड़े आपके हैं, ठीक है जल्दी से रेडी हो जाओ। आपको नींद आने लग गई है? नहीं। क्या हुआ है? चने खाने। नान चने खाने हैं? इधर खड़ी होके बताए ना क्या खाना मेरी बेटी। चले भाई वो भी उठ के रेडी होते हैं ना, अजान भाई फिर लेके आते हैं, ठीक है? सबको बोल दो हेलो एवरी वन। बोले भाई जान उठ जाए, स्कूल का टाइम हो गया ना। चले उठ गया भाई भी। अजान अच्छी तरह मुंह हाथ धोना। अच्छा अब जो हमें सारे बिस्तर वगैरह समेट लेती है। यहाँ पर बच्चों का जो है सोफा कवर वो भी सेट कर दिया और बिस्तरे भी सब मैंने तय लगा दिए। बस अब बच्चे जो हैं वो रेडी हो रहे हैं। अजान रहने भी लोशन लगाना पहले भाई को, तो आपने पहले लेना। इतना ज्यादा मौज़िन इससे शेयर कर लो, इसके पास बहुत ज्यादा आ गया। चलो आप ले लो, चलो अच्छी तरह लगाओ। ओ नीचे भी गिर गया। फातिमा ये क्या किया, उसको ना लगाओ भाई की यूनिफॉर्म को लग जाएगा अभी रोज़े। पहले क्यों लिया आपने ये? थोड़ा सा और ना अच्छी तरह फेस पे भी लगाओ, अच्छी तरह। चलो जाना आप भी लगा लो, आंख साफ कर, भी रेडी हो गया। चलो जान जल्दी से नान चने ले आओ, ठीक है? यहाँ पर अजान जो है नान चने भी लिया है और ये बड़े ही मजे के गर्मा गर्म कुलचे
मुँह में पानी आ रहा है मेरा देख के। चलो मानो आपने खाना है, वो अपनी चेयर लेके आए, चेयर लेके आए जल्दी से। चले अमोजन आप भी आ जाए खिलाओ, मैं सबको इधर बैठो आराम से आराम से आराम से। रैन फातिमा मामा के लिए पानी ला रही हैं। थैंक यू सो मच। चलो भाई जा रहे, भाइयों को अल्लाह हाफिज बोलो। चलो दरवाजा बंद कर जाए। चलो आए मैं बाप को सीरप दूँ। बाबा ने कहा सीरप पी के फिर ये सोए। चलो आ जाओ, आ जाओ इधर। आपका पानी पी लूं? नहीं पहले ये कौन सा है, कफर्ब सिरप ही निकाला हमने। हाँ आपको फ्लू और कफ हो रही है ना, पहले ये पिए। चलो मेडिसिन पी लिए, इसको वापस रखें। ठीक है चलो इसको बंद कर दें, पी ले थोड़ा सा पानी पीना है, ज़्यादा नहीं। ठीक है चले आगे बेड पे लेटे, बेड पे आ जाए जल्दी से जल्दी से। रैन फातिमा आप सोने लगी हैं, ये एक्टिंग हो रही है। चलो अब मामा भी साथ लेटती है, मैं लाइट ऑफ करूं, आप लेट जाओ। ये डार्क रूम बन गया यहाँ पर। हुरैन और मैं फिर सोकर उठ गए थे और मेरे हस्बैंड बच्चों को स्कूल से लेने गए थे, और वो बच्चे आ गए थे और मेरे लिए बनाना शेक लेके आए थे। और हस्बैंड यहाँ पर नाश्ता वगैरह करके रेडी हो गए और ये जा रहे हैं अपने काम पर। और हुरैन जो अपने पापा के पीछे पड़ी हुई है कि आपने मुझे जो है ना किचन सेट बड़े वाला ला के देना, तो बस इसको यही होता है कि पापा जा रहे हैं। कभी कोई फरमाइश होती है इस मैडम की, कभी कोई होती है। यहाँ पर मेरे सारे काम जो है वो हो चुके हैं और रमीज जो है वो काम पे चले गए हैं। बच्चे भी आए थे, वो पढ़ के जो है स्कूल से पढ़ के आए थे, खाना वगैरह खा के तो वो ट्यूशन चले गए हैं। और रैन फातिमा बाहर आई, ये कहाँ छुप गई, बाहर आए जल्दी से बाहर आ जाए, जल्दी आए। हस्बैंड के जाते वक्त बनाना लेके गए हैं चिकन, और ये टमाटर और प्याज हैं, चने भी हैं हमारे काफ़ी बीक चुके हैं, तो अब मैं इनको कुक करूँगी क्योंकि सुबह मैं नहीं कर सकी क्योंकि गैस बिल्कुल भी नहीं आ रही है। और सिलेंडर जो है मैं इसलिए कम यूज़ करती हूँ क्योंकि उसकी स्मेल इतनी ज़्यादा मेरा रूम बंद है वो अंदर हो जाती है और बैठना मुश्किल हो जाता है, तो मुझे होता है कि बच्चे चले जाएँ फिर ही बनाऊँ। तो कल मैंने मसर चावल बनाए थे, तो वो सालन पड़ा था, बच्चे वो खाने में खा के गए हैं, तो अब जो है ना मैं ये वाइट चनों का शोरबा बनाऊंगी। बुरी बात बुरी बात। ये हुरैन फातिमा का बनाना। यहाँ पर जो चने हैं मैं अब इनको ना प्रेशर लगाने लगी हूँ कि ये जल्दी हो जाएंगे क्योंकि काफी भीगे हुए हैं, 5 मिनट या 10 मिनट में ये गल जाएंगे। सर्कल कहाँ है पहले बताएं? नहीं कहाँ बना हुआ, फुल सर्कल का है। गुड। और इस बॉक्स में क्या है? 1 2 3 ओपन। वाह रैन फातिमा के टॉयज हैं। चलो रैन फातिमा बैठ के अब खेलें अपने टॉयज। ठीक है बैठ जाओ, सेट चेयर पे, चेयर पे गिर जाएंगी। स्टैंड अप मामा, चेयर आगे करें, स्टैंड अप बैठे, चले बैठे, बैठ जाए अपनी चेयर पे। गुड। चिकन जो है मैंने सारा वॉश कर लिया था और जो ये बाकी बच गया था ना, तो इसको मैंने ऐसे पैकेट में बना लिया, मैं इसको फ्रीजर में रख देती हूँ। यहाँ पर जो चने बच गए थे उनको मैंने ऐसे सेव कर लिया और अब मैं इनको जो है ना फ्रीजर में रख दूँगी। यहाँ पे मेरा चने का शोरबा भी रेडी हो गया था, बहुत ही मज़े का। इसके साथ में वाइट जो राइस है वो जो है वो बनाऊंगी अब।
यहाँ पर अब मैं चावल बना रही थी क्योंकि काफ़ी देर से मैंने भिगो के रखे हुए थे और इतने में गैस बहुत अच्छी आ रही थी, तो मैंने जल्दी से चावलों का पानी रखा और फिर चावल मेरे बन गए थे, इन्हें मैंने दम पे रखा। इतने में जो बच्चे हैं वो अकेडमी से पढ़ के आ गए थे, तो पहले आते ही मैंने इनको शावर दिया कि आप ईजी हो जाएँ, फ्रेश हो जाएं, फिर आप खाना खा लीजिएगा। इनको भी मैंने खाना डाल दिया था, उन्होंने बहुत मज़े से इंजॉय किया। नेबर की तरफ से हमें ये केक आया था, बच्चों ने केक भी बहुत मज़े से खाया। बस जी ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।